लॉकडाउन फाइव पॉइंट शुरू होते ही उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कुछ शर्तों के साथ रोडवेज बसों को चलने की मंजूरी दे दी आखिर उन क्या शर्तें थीं वो हम आपको बताएंगे दरअसल सरकार ने आदेश किए थे कि सर सरकारी बसों में बैठे पैसेंजर सभी को मास्क लगाना अति आवश्यक होगा और एक बस में लिमिट से ज़्यादा कोई भी पैसेंजर मौजूद नहीं रहेगा और सभी को सैनिटाइज किया जाएगा इस वक्त मैं जनपद मैनपुरी के एक रोडवेज बस स्टैंड पर खड़ा हूँ अब देखना ये है हमारे बगल में एक बस खड़ी है रोडवेज बस देखना यह है कि इस बस के अंदर कितने पैसेंजर हैं और किस तरह से क्या सभी ने मास्क लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है क्या सभी को सैनिटाइज किया गया है कि नहीं किया गया है तो चलिए हमारे साथ हम आपको दिखाते हैं कि बस के अंदर की क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं ये बस की तस्वीरें हैं यहाँ पर जो ड्राइवर हैं वो बैठे हुए हैं पीछे जो बस है पीछे हम अपने सहयोगी से कहेंगे पीछे दिखाएं दिखाएं कि किस तरह की कंडीशन है पीछे की जो बस है वो बस में कुछ ज़्यादा यात्री पैसेंजर मौजूद नहीं हैं तकरीबन आठ से दस पैसेंजर मौजूद हैं बाकी बाकायदा पूरी बस खाली नजर आ रही है इससे हम अपने ड्राइवर से पूछेंगे कि क्या इन्हें सुविधा क्या क्या दी गई है क्या नाम है आपका हमारा नाम विकास कुमार है विकास जी कहाँ से कहाँ तक बस चलाते हैं आप हम फरकावा से इटावा फरकाबाद से इटावा की ये जो बस है क्या बस में जितने भी पैसेंजर हैं सबको सैनिटाइज किया जा रहा है हाँ, सैनिटाइज किया गया है और सभी मास्क की सुविधा है।, स... है, है सरकार ने और क्या क्या सुविधाएं दी हैं सरकार ने मास्क दिया है सैनिटाइजर दिया है करने के लिए वो सारे यूज किए जा रहे हैं हाँ, सारे यूज किए तकरीबन कितने पैसेंजर एक एक दिन में जो है इस बस में अवेलेबल होते हैं अवेलेबल तो जितने भी पैसेंजर होंगे बीस या पच्चीस बस इससे ज्यादा नहीं है अच्छा जैसा कि उन्होंने बताया कि 20 से ज्यादा इस बस में पैसेंजरों की बैठने की जो है व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पर हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी बायदा पालन किया जा रहा है एक दो सीट छोड़कर ही लोग बैठे हुए हैं कनेक्टर जो है बस के वो हमारे साथ मौजूद हैं इनसे हम पूछेंगे कि आखिर क्या, क्या क्या इन्हें दिक्कतें आ रही हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं क्या नाम है आपका जयप्रकाश जी ये बताइए आप जो कंडेक्टरी करते हैं इस बस में तकरीबन एक बस में एक बार में कितने पैसेंजर बैठाते हैं लगभग बीस पच्चीस करीब सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं आए देखने आ, में आता है आप से, देख से, रहे हैं हम इस वक्त देख रहे हैं कि बस है वो ज़्यादातर खाली नजर आ रही है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप सवारी निकला कि कल पहली तारीख चालू हुआ सवारी निकलने की संभावना है अच्छा जैसे हम देख रहे हैं कि सवारियाँ जो हैं दस से पंद्रह सवारियाँ मुश्किल से होंगी क्या लगता है सरकार को कितना मुनाफा होगा या घाटा में जा रही है क्या लगता है आपको अभी तो इस समय घाटे में जा रही होगी अच्छा सरकार इस समय घाटे में जा रही है तकरीबन डेली जब से इस बस सेवा शुरू हुई है तब से पैसेंजर इतना ही बैठ रहे हैं कि इससे रिक्शा सात आठ से इससे भी कम है आज कुछ बड़ी है संख्या जैसा कि उन्होंने बताया कि जो पैसेंजर हैं वो डेली कम से कम में बैठ रहे हैं और सरकार अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सरकार को बस यात्रा के तहत काफ़ी घाटे में जा सकती है एक पैसेंजर से हम बात करना चाहेंगे ये हमारे साथ बैठे हुए हैं क्या नाम है आपका शारिक क्या नाम है शारिक शारिक जी ये बताइए आप कहाँ जा रहे हैं बस में बैठ के जी फर्गवत फरकाबाद जा रहे हैं आपको जो बस में सेनेटाइज़ किया गया, गया है आपको जी किया गया है चलिए ठीक है बहुत अच्छी बात है इनको सैनिटाइज़ किया गया और पूरी सुविधा जो है सरकार ने दी थी वो ये मुहैया करा रहे हैं कैमरामैन अर्जुन सिंह के साथ शिवा कुमार ग्लोबल भारत मैनपुरी